प्रॉब्लम यह है कि अब इसके बाद हम नई सिस्टम ला रहे हैं, वो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम है। अभी टोल लाते नहीं रहेंगे, तुम्हारे नंबर प्लेट पर तुम जहां से जाओगे वहां फोटो निकलेगा, जहां से निकल जाओगे वहां निकलेगा, उतना ही पैसा आपके अकाउंट से जाएगा। तो ये टोल लाके लगभग खत्म होंगे, चुनाव के बाद हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे अब 80% पूरा हुआ है और मेरी इच्छा थी कि दिल्ली मुंबई हाईवे को नरीमन अब वो महाराष्ट्र सरकार ने अब कोस्टल रोड बनाकर यहां से विरार तक लेके गए हैं और मैं अब दिल्ली मुंबई हाईवे को विरार तक जोड़ने के लिए मैंने भी प्लान तैयार किया। हमारा हाईवे जा रहा है जेएनपीटी भिवंडी के वहां से डायरेक्ट, जो समृद्धि महामार्ग को भी कनेक्ट होता है और वहां से आगे जाता है मुंबई नासिक को भी कनेक्ट होता है। तो एक तो पहली बात तो मुंबई में इससे बहुत परिणाम आएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे मुंबई आते हुए एक बड़ी गलती मेरी उसका एहसास होता है। अभी मैंने नागपुर में प्रयोग किया, एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लावर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी मैं चेन्नई में चेन्नई पोर्ट से रोड बना रहा हूं 12,000 करोड़ का, फ्लाईओवर, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, एक ही पिलर पर पैसा भी बचता। अभी पुणे में मैं 3 रोड पर ऐसे 50,000 करोड़ के ऐसे 3 टायर फ्लाईओवर बने। उस समय मुंबई में यही फ्लाईओवर बनते और मेट्रो बनती और एक ही पिलर पर उतना ही रोड, उसके ऊपर में ही मेट्रो, तो शायद पैसे भी बचते हजारों करोड़ और काम भी होता, पर उस समय वो रह गया। अब मुंबई में समुद्र में काफी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के भी कानून है, फिर भी ये सब अटल सेतु बन गया, तो वहां मुझे रोपवे या लिफ्ट बनानी थी। तो पैसा कम था, 40-50 करोड़ था, सीआरएफ फंड से बना रहा था। मैंने एक आइडिया निकाली, हमने 6 कैप्सूल लिफ्ट लगाई यहां तक आए, फिर ट्रैवलर लगाया, फिर कैप्सूल लिफ्ट लगाई और मंदिर में गए, तो हमारा काम 25 करोड़ में हो गया जो 100 करोड़ का था। आपके पास एक ही है कि आजकल लोग क्या पैदल नहीं चलते, तो एक जगह लिफ्ट बनाकर 3-4 लिफ्ट बनाकर लोग बड़ी बड़ी लिफ्ट लाकर ऊपर जाए और वो ट्रैवलर लगाकर डायरेक्ट चलते स्टेशन तक जाए, ऐसी एक नई सिस्टम यहाँ करनी पड़ेगी ताकि आप आसानी से जल्दी स्टेशन तक जा सकोगे।